बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं वाले एथलीट्स के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिहाज से स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने एक नई पहल शुरू की। इस खेल महासंघ ने आज नई दिल्ली की एक अनूठी दौड़ रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन किया। ये दौड़ नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 18 से 23 नवंबर 2024 के बीच आयोजित होने वाली स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता की तैयारियों का हिस्सा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के अलावा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी मौजूद रहे। पूर्व क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने इस मौके पर 2036 में भारत के द्वारा ओलंपिक आयोजन के प्रयासों की भी प्रशंसा की है। रन फॉर इंक्लूजन है अंडर वन अम्ब्रेला, वो स्पेशल ओलंपिक्स की जाए। एट द एंड ऑफ द डे सोच वही है ना कि किसी ने डिसीजन लेके एंड में वो बच्चे में अगर वो पैशन है कि वो जाके वो खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, तो उसको लेके आप एक और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ के बाद हमने लेटर भेज दिया। आई थिंक जिस तरीके से, जिस वाइब्रेंसी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, अब स्पोर्ट में भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई होप वी गेट इट, इट विल बी फिनोमिनल।